हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं टेकडेक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं, अगर आपको गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड पे सर्वे नहीं आ रहे तो आपको कैसे सर्वे मिल सकते हैं। वैसे उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है, आप जाके क्लिक करें फिर वो जाके देख सकते हैं। पर पहले ये वीडियो देख लेना फिर जाके वो देख लेना, इससे क्या होगा दोनों में थोड़ा मैचअप नहीं होगा। ठीक है, पहले ये देख लेना फिर वो। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं मुद्दे पे। देखिए मेरे अकाउंट में यहाँ पे 29.19 रुपये और दूसरे मेरे अकाउंट में यहाँ पे है 19.75 रुपये। अब आप क्या होगा कि दो अकाउंट कैसे चला रहे हो, तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे कि आपको सर्वे क्यों नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं तो कैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें आते हैं यहाँ पे तीन डॉट पे। तीन डॉट पे आने के बाद मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग पे आऊंगा, हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, नोटिफिकेशन, गूगल लोकेशन, हिस्ट्री और पेज इन्फो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमें अपनी नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखनी है। क्यों रखनी? नोटिफिकेशन ऑन रखने का ये फ़ायदा होगा क्योंकि एक सर्वे की जो वैलिडेशन होती है वो केवल 24 घंटे होती है। अगर मानो उसके दौरान आपने वो सर्वे नहीं लिया तो वो सर्वे एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद आपको सर्वे दिखाया, मतलब वो दिखेगा ही नहीं कि मुझे भी वही सर्वे मिला है। तो हमेशा आपको अपने नोटिफिकेशन ऑन रखनी, इससे आपको पता चलेगा भाई मेरा सर्वे आया है, क्योंकि 24 घंटे में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात है बैक बैक के। गूगल लोकेशन हिस्ट्री, गूगल लोकेशन हिस्ट्री, आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल हमेशा जो भी सर्वे होते हैं वो लोकेशन के थ्रू मिलते हैं। जैसे हम जगह जगह विजिट करते हैं तो वहाँ पे कई सारे सर्वे होते हैं, तो उससे मतलब गूगल को भी तो पता चलना चाहिए आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो उसके लिए उसके हिसाब से तो वो सर्वे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपकी लोकेशन ऑन रहनी चाहिए, बिना लोकेशन ऑन करें सर्वे की उम्मीद बिल्कुल मत करना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद हम आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एज हम जो चाहे डाल सकते हैं, जो हमारी रियल है वो डाल देना तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 18 से 24 ही डाल लें तो ही आपको सर्वे मिलेंगे। बहुत सारी वीडियो में ऐसा बताया गया है कि 18 से 24 में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी एज आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं जेंडर, तो जाहिर सी बात है जो भी आप डालेंगे। फिर आते हैं लैंग्वेज, लोकेशन एंड लैंग्वेज। इसमें एक झोल है, इसमें झोल क्या है देखिए, पिन कोड वगैरह। ठीक है, अब आते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज में क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सिलेक्ट करनी है। अब क्यों करनी है, देखिए बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त जो हैं, मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, केवल हिंदी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती नहीं। खैर इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, वो बात अलग है। ठीक है, पर इसमें दोनों लैंग्वेज सेट करनी, क्योंकि देखिए कई सारे सर्वे क्या होते हैं केवल 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 इंग्लिश में होते हैं, तो आपको मानो अगर वो आपके, क्योंकि आपने सिलेक्ट कर ही लिखी लैंग्वेज, तो आपको वो वाला सर्वे मिलेगा ही नहीं। और बहुत सारे सर्वे ऐसे भी होते हैं हिंदी में होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो दोनों लैंग्वेज, उसमें आपको मिल जाएगा हिंदी वाला केवल, तो आपको इसलिए दोनों सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इंग्लिश बाय चांस नहीं भी आती आपको। इंग्लिश में क्या होगा कि अगर आप तुक्के मार के भी मानो भी मतलब 5-6 रुपये कुछ तो आएंगे, तो तुक्के मार के भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब जो आप आपको आता है, ठीक है बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम एक और बैक आते हैं। देखिए यहाँ पे आता है एक हेल्प एंड फीडबैक। हेल्प एंड फीडबैक में हमें आना है। हेल्प एंड फीडबैक में यहाँ पे हमें अपना इशू ढूंढना है, जो कि हमें कभी नहीं मिलता यहाँ पे, कि नो सर्वे प्रॉब्लम जो मिलता ही नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सेंड फीडबैक पे। सेंड फीडबैक पे आने के बाद आप यहाँ पे हमें अपना एक फीडबैक देना है कि भाई मुझे सर्वे, मतलब एक चिट्ठा सा तैयार करना है अच्छा सा, वो मुझे यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे इंक्लूडिंग स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है। आपको अपना स्क्रीनशॉट भी भेजना पड़ेगा, बैलेंस का भेजना। ठीक है, इंक्लूडिंग स्क्रीनशॉट जैसे ही आप भेजोगे तो उसमें उनके पास चला जाएगा, 24 से 48 में मेरे हिसाब से रिप्लाई दे देंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात, आपको ऐप हमेशा मतलब एक दिन में आपको ऐप खोलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको मतलब कुछ ना कोई गूगल का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे हफ्ते में एक कर लो गूगल का ऐप, वो बात हो रही, जैसे ही सर्वे आए फिर उसे डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है लोके, अब मैं आपको एक बार सारी चीज़ रिमाइंड करा देता हूँ जल्दी से। नोटिफिकेशन ऑन रखनी है, हिस्ट्री हमेशा ऑन रखनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में लैंग्वेज दोनों सेट करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे फीडबैक भेजना है कि भाई मुझे चिट्ठा नहीं है, मतलब वो मुझे सर्वे नहीं आ रहा। उसके बाद इंक्लूडिंग पे क्लिक करना है जिससे आपको स्क्रीनशॉट आएगा, और हमेशा एक दिन में आपको मतलब गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड ऐप खोलना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि आपका ऐप कोई सा भी एक डाउनलोड करना है गूगल का, क्योंकि गूगल का है तो गूगल का सर्वे इसलिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे दोनों वीडियो का लिंक है, डबल अकाउंट का भी और दूसरी वाली वीडियो का भी जिससे सर्वे मिलेंगे, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ ना आए तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं आपको बताया रिप्लाई तो करता ही हूँ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड गुड बाय।